हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए बहुत ही अच्छा भाग्य। कहते हैं कि कोई भी काम करें, किसी से भी बात करें, सब इम्प्रेस हो जाए, सब बढ़िया हो जाए, सुबह से शाम तक लाइफ बहुत अच्छी हो, खाते पीते रहें, घूमते फिरते रहें, रात को बड़ी अच्छी नींद आ जाए। एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही हैं और हम एक्सपेक्ट करेंगे तभी हमें चीज़ें मिलेंगी भी सही, लाइफ में खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन कभी कभी बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हम अपनी वास्तु में कर देते हैं जो कि हमारी खुशियों को ख़राब कर देती हैं, अच्छी किस्मत को ख़राब कर देती हैं। मैं आपको लगातार अपडेट करता हूँ, स्पेशल उपाय भी वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। आजकल ट्रेंड ये है कि आप ड्रिंक्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपके घर में बार की अलमारी ज़रूर मौजूद होती है, आपके लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, एक हमारा एक स्टेटस कोशेंट होता है। इस स्टेटस के कोशेंट को मेंटेन करने के लिए बड़े सारी ड्रिंक्स आप स्टोर करके रख लेते हैं। ईस्ट में अगर आपने ड्रिंक्स रख दी तो मानिए आपका मान सम्मान चला जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, दोस्त ही आपको बैक बाइटिंग देते रहेंगे और कहेंगे नहीं ठीक है, सब कुछ ऐसे ही है, कुछ खास नहीं है, इन्होंने क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो लाइफ में कुछ नहीं है अगर आपके साथ अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, अच्छे रिलेटिव्स नहीं हैं, अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो ईस्ट से अपनी जो स्टोरेज है बार की, बार एल्बेरा, वो हटा दीजिए, वेस्ट की डायरेक्शन में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में बिल्कुल नहीं रखनी है, कोने में, क्योंकि यह वेल्थ प्लेस है। साउथ वेस्ट के एरियाज में आप उसे रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगेन कुछ डेस्टिनी के पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी रिलेशनशिप से मोटिवेटेड होते हैं। आपका एयर कंडीशनर कहाँ लगा हुआ है बहुत मैटर करता है रिलेशनशिप्स पर। साउथ ईस्ट में अगर आपका एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो गलत है। कुछ लोगों का मानना है कि एयर कंडीशनर में जो कंप्रेसर होता है वो तो गर्म होता है, तो ये तो एसी हम साउथ ईस्ट में लगा सकते हैं। उसका लॉजिक ढूंढना है प्रॉब्लम का। साउथ ईस्ट एक फायर डायरेक्शन है, फायर बहुत ज़्यादा पोटेंट होती है, उसको ठीक करना, मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करेंगे तो लाइफ में बर्बादी आ जाती है बहुत सारी चीज़ों से। आपने करना क्या है, एसी को कभी भी साउथ ईस्ट में नहीं लगाना। जो एसी से पानी का पाइप निकलता है, जो पानी ड्रिप हो रहा होता है, उस पानी का फ्लो साउथ ईस्ट में, साउथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग के ऊपर अगर आपका पानी कम से कम 10 से 12 घंटे जा रहा है तो दोनों एंटी एलिमेंट्स हैं, वो क्लैश करेंगे, तो आपकी लाइफ में जो आपके साथ के लोग हैं वो भी क्लैश करेंगे। तो आपको क्या मंजूर है, देखिए, करिए, उपाय बहुत सारे हैं, लेकिन अगर बेसिक कर सकें तो अच्छा होगा। तीसरे उपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप कहते हैं एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, काम ही नहीं हो रहे मेरे से, तो मैं क्या करूँ। कभी कभी तो आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, आप जा नहीं पाते हैं, हिम्मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बट वो एनर्जी अंदर से, वो फायर वो नहीं है आपके अंदर। कैसे आएगी, अगर आप आपके घर में वास्तु दोष को क्रिएट करोगे, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि वास्तु दोष सारी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। नॉर्थ में अगर आपने हेल्थ बनाने के लिए जिम बना दिया, ट्रेडमिल रख ली, साइकिल रख ली, या एक दो और इक्विपमेंट्स रख लिए आपने कि अभी तो हमारा हेल्थ का टाइम है, वी कैन डू एक्सरसाइज, बहुत सारे इक्विपमेंट्स रख लिए, डंबल्स रख लिए, बिकॉज यंग पीपल दे आर इंस्पायर्ड कि नहीं, हमें तो अपनी बॉडी बिल्ड करनी है। यहाँ से आपकी एनर्जी, माइंड सबसे पहले बिल्डअप होना चाहिए, उसके बाद मसल्स काम करती हैं, बिकॉज एक वाइज मैन, एक इंटेलिजेंट मैन बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है एक अच्छी बॉडी से जो दिखती है। अंदर से हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्थ दब जाता है, जैसे ही नॉर्थ में हेल्थ इक्विपमेंट्स रखे, नॉर्थ से आ रही नॉर्थ पोल एनर्जी दब जाती है, आपके घर में फ्लो नहीं कर पाती। किसी भी चीज़ को आने के लिए एक सिस्टम चाहिए होता है, एक फ्लो चाहिए होता है। उस फ्लो को आपके जिम इक्विपमेंट्स ने दबा दिया। आप कितने भी फ्लोर पे चले जाएं, अप्रॉक्सीमेटली 100 फ्लोर्स तक यह एनर्जी
होती है और वहाँ से ट्रेवल करती है। तो नॉर्थ का हिस्सा खाली रखिए, साउथ की दिशा में जिम बनाइए बिल्कुल ऑपोजिट, जहाँ जा कर के एनर्जी एंड होती है। फिर देखिए कि आप जिमिंग कितनी करेंगे, एक एक दो दो घंटे आराम से जिमिंग कर पाएंगे। तो ऐसा कीजिए और आपकी लाइफ को स्मूथ बनाइए। स्पेशल उपाय बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय है, जिंदगी को विघ्नों से दूर करने वाला, यह गणपति जी का उपाय है। बहुत अच्छे हैं गणपति जी के जितने भी उपाय हैं, क्योंकि बहुत आराम से हो जाते हैं और भगवान कभी भी नाराज नहीं होते। अगर आप उनको खुश करने की कोशिश करते हो तो खुश ज़रूर हो जाते हैं। गणपति जी का दिन बुधवार का दिन होता है। सिंपल सी मंदिर में उनकी रखी हुई कोई भी तस्वीर या छोटी सी प्रतिमा, उसके आगे ग्रीन कलर के ऊपर उनको अगर आप होलसम सुपारी, 5 सुपारी ऑफर करते हो तो गणपति जी खुश हो जाते हैं और आपकी लाइफ को ऑब्स्टेकल फ्री कर देते हैं, रिद्धि और सिद्धि देते हैं। ग्रीन कलर का कपड़ा लेने की जरूरत नहीं, आप एक पान का पत्ता लेकर के आइए और 5 सुपारी उसके ऊपर रखिए। हर सुपारी के साथ अगर आप एक छोटा सा मंत्र, भगवान गणेश के सैकड़ों मंत्र हैं, आप एक छोटा सा मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः इसका मन में ही उच्चारण कर लेंगे और सुपारी रखेंगे तो बहुत ही शुभ होगा। यह सुपारी आप अगले बुधवार को बदलिए और उसका प्रसाद भी आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से लाइफ एकदम स्मूथ चलती है। लाइव वास्तु ऐसे ही उपायों को आपको बताती है। ओम नमः शिवाय। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr. Puneet Chawla